हेलो गाइस, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। और अभी हम हैं मानारायपुर में। और गाइस, हमने सुना है कि मानारायपुर में दुर्गा उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहां चलते हैं और विजिट करते हैं कि कैसा बना है और देखते हैं। गाइज, ये माना रायपुर जो दुर्गा पंडाल है उसका बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया गया है यहाँ पे। और आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छी लाइटिंग से सजाया गया है। और इसके एंटर करते हैं और देखते हैं कि और किस तरह से डेकोरेशन किया गया है। तो गाइज, हमने जैसे ही आगे बढ़ा और यहाँ पे हमको बहुत ही खूबसूरत और भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बहुत ही दूरी से इसको सजाया गया है, आप देख रहे हो, अच्छी डेकोरेशन और इस तरह लाइट भी लगाई गई है। और चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या डेकोरेशन। हम और भी आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, खूबसूरती और भी डबल होती जा रही है, कंटिन्यू डबल होती जा रही है। और ये लाइट भी काफ़ी अच्छा लगा है, आप देख रहे हो, रोड पे रौनक आने लगी है और धीरे धीरे और भी रौनक आएगी। और चलते हैं अब सीधे दुर्गा पंडाल के पास और देखते हैं क्या डेकोरेशन वहाँ पर किया गया है, कैसी तैयारी चल रही है और जानेंगे वहाँ पर। देख रहे हो, काफ़ी बड़ा बनाया गया है, माता रानी का जो पंडाल है बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हमें पूछताछ करने में पता चला कि गाइस, ये रायपुर नगर निगम के डिज़ाइन पे बना गया है, इसकी साइज वैसी ही बनाई गई है जैसे रायपुर नगर निगम की है। और ये गाइस अभी पूरा तो रेडी नहीं हुआ है, लेकिन 75% ये रेडी हो चुका है, आप देख रहे हो, और कुछ ही दिन बाद ये रेडी हो जाएगा और आप यहाँ आके यहाँ लुत्फ़ उठा सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से ये तैयारी चल रही है। हम देख रहे हो कितना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे, कितने सारे बांस से इसको स्ट्रक्चर्स को बनाया गया है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है गाइस, यहाँ पे देख रहे हो। और इस साइड दुर्गा माँ का पंडाल आप काफ़ी बड़ा है और इस साइड यहाँ पे दुर्गा माँ की जो मूर्ति है वो विराजमान होगी। और काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रहा है गाइस, आप देख रहे हो कितनी हाइट है, कितना सारा बांस से बम्बू लगा के इसको बनाया गया है गाइस। पूरा बनने के बाद गाइस और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है गाइस। पूछने पे हमें पता चला है कि गाइस 1 तारीख से जो दुर्गा पंडाल है वो खुल जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भी क्या क्या यहाँ पे तैयारी चल रही है उसको मैं वीडियो के आगे भी दिखाता हूँ। इस साइड चलता हूँ, जिस साइड यहाँ मेला भी काफ़ी अच्छा लगता है सुना हूँ, वहाँ चलते हैं कि मेले की क्या क्या तैयारी है उसको भी मैं वीडियो के आगे में दिखा। और भी काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर सकते हैं, अभी उसकी तैयारी चल रही है क्योंकि मेला की तैयारी है गाइस, बहुत ही अच्छा है, इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा मेला लगा हुआ है और भी क्या क्या झूला है मैं वीडियो के आगे में। गाइस, जो पहला झूला है जो कि ब्रेक डांस है उसके जस्ट बगल है गाइस, ये हवाई झूला है जो काफ़ी आप इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और भी क्या क्या झूले हैं गाइस उस साइड भी और दिखाता हूँ, अभी तो पूरा हुआ नहीं है, पूरा सजावट चल रहा है, बहुत ही अच्छा डेकोरेशन और काफ़ी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रही है। ये गाइस और भी अमेजिंग झूला है जो कि टोरा टोरा बोला जाता है, ये काफ़ी डेंजर होता है गाइस, ये झूला आप देख रहे हो। और उसके बाद गाइस ये है ड्रैगन का, और भी इधर है जो कि ये चल रहा है, कुछ लोग यहाँ आके काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी आइए इंजॉय कर सकते हैं। और 1 तारीख के बाद यहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड होगा, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे यहाँ पे। और भी आगे चलते हैं, गाइस आपने देखा वीडियो में कितना ज़्यादा जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रहा है, मेले की भी तैयारी चल रही है काफ़ी जोरों शोरों से। और यहाँ पे दुर्गा माँ का जो पंडाल है उसकी काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, 75% बन चुका है गाइस। तो 1 अक्टूबर को आइए और इन्जॉय करिए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।